समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से वो आए और भारी जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय नेताजी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, गाजीपुर से लेके यहाँ तक और सहारनपुर से लेके यहाँ तक जो साइकिल यात्रा करके आए सभी नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी यात्रा पूरी की और दिल्ली के इस जंतर मंतर के मैदान पर यहाँ बड़े पैमाने पर आकर लोगों को बता दिया कि देश की जनता बदलाव चाहती है। आप जानते हैं कि पिछले 4 साल में क्या हुआ, मैं लंबा बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि अब पानी भी बरसने लगा है, इंद्रदेव की कृपा हो रही है ज्यादा। देखिए, पिछले 4 साल में 5 साल में 5 साल होने जा रहा है, इसमें इस देश में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उपलब्धियां बहुत सरकार बना रही है पूरी तरह से विशुद्ध रूप से झूठ बोलकर, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंडल कमीशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, नौकरियां खत्म कर दी गई और जो कुछ शेष थी गैर सरकारी क्षेत्रों में, छोटे बड़े उद्यमों में, वो जीएसटी और नोटबंदी ने पूरी तरह खत्म कर दी। नोटबंदी ने देश को कैशलेस कर दिया, जेब में कुछ नहीं है। जैसे जेब कतरे जेब से निकाल ले जाते हैं, वैसे सरकार ने लोगों की जेब से सारा पैसा निकाल लिया। बैंकें फेल होने की स्थिति में हैं पूरी तरह से, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने को विवश हैं मनमाने तरीके से। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति यह है कि जो इम्तिहान नहीं दे रहे हैं वो नौकरियों में पास हो जा रहे हैं, सिलेक्शन रिजल्ट जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाइए, क्यों आगे चले आ रहे हैं आप लोग, इतने बड़ी तादाद में आए सब आप लोगों को देख रहे हैं, वहीं रुकिएगा। तो इस गवर्नमेंट ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया था, जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। रुपए की क्या स्थिति है, कहते थे कि रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री कहते थे कि रुपया आईसीयू में है, जब 63 रुपए का डॉलर था, अब 73 रुपए का है, अब कहां है ये, वेंटिलेटर पे, रुपया वेंटिलेटर पे पहुंच गया। बैंकें कभी भी कोलैप्स हो सकती है एक एक करके, किसान की आमदनी दूना करने का जो वादा है 22 तक, इससे बड़ा आज तक हिंदुस्तान में और दुनिया में कोई झूठ नहीं बोला गया। तो इस तरह की सरकार जिसने, और सरकार का नेतृत्व चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे दिल्ली की हो, जिसने अपनी बातों के जरिए जनता के मन से नेताओं के प्रति विश्वास पैदा कर दिया, ये सब असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के लोगों को 19 में बदलने की आवश्यकता है। समय आ गया है कि ये नौजवान घर घर जाकर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में परिवर्तन के लिए अगुवाई करेंगे। सारा देश यूपी की तरफ देख रहा है, नौजवानों आपके हाथ में है कि दिल्ली की सत्ता मौजूद जो है वो रहे या न रहे, बताओ चाहते हो बदलना, हाथ उठाओ सब, चलिए बहुत एकमत होके काम करना, हिम्मत से काम करना, डरना नहीं बंदर भभकियों के सरकार की और जोगी सरकार की कतई, और ये जाने वाली है, बस दृढ़ निश्चय अपने मन में रखिए, विश्वास रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।